रेडिकल मैकेनिज्म, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के तरह रहेगा। तो वो सारी रिएक्शन जिनमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, हमारे लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शंस कहलाती है। तो चलिए आओ जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो मैंने ये कुछ अच्छा सा डायग्राम बनाया, देखने में बड़ा स्मार्ट सा लग रहा है। तो इसमें सबसे पहले बात की है कि फ्री रेडिकल हो क्या रहा है। इसमें एसपी टू हाइब्रिडाइजर है, एक ट्राइगोनल प्लेनर शेप दिख रही है आपको। ये एक ऑर्बिटल है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ही फ्री रेडिकल कहला रहा है, जो कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर रख रहा है, यानी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। और ये हमारे पास एफ आर का मतलब हो गया फ्री रेडिकल रिएक्शन, सही है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस तीन तरह की रिएक्शंस है हमारे पास, डाइमराइजेशन दे सकता है, कॉम्बिनेशन दे सकता है और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन दे सकता है। चलिए एक एक करके हम बात करते हैं सारी चीजों को। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रिएक्शन किस तरह से होती है, डाइमराइजेशन कहाँ होता है, फ्री रेडिकल कैसे बन सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। तो फ्री रेडिकल तीन तरह से हमारे पास बन सकते हैं। फर्स्ट, अगर आप कोई हैवी मेटल ले रहे जो हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, लाइक सोडियम, कॉपर, जिंक वगैरह वगैरह, तो इस तरह के मेटल्स हमारे पास किस तरह की फ्री रेडिकल रिएक्शन देंगे और उनके क्या नाम होंगे उन पे एक बार चर्चा करते हैं हम। तो सबसे पहले जनरेटेड बाय हैवी मेटल्स, इसके अंदर सबसे पहले रिएक्शन लिए मैंने वुड्स रिएक्शन। क्या लिया है? वुड्स रिएक्शन। तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है वुड्स रिएक्शन, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, वुड्स रिएक्शन के अंदर सोडियम है, ईथर, डाइमिथाइल ईथर आपने लिया है सॉल्वेंट के रूप में। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एक अल्काइल हैलाइड है आरएक्स जो कि सोडियम के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और एक तरह से हमारे पास डाइमराइजेशन रिएक्शंस दे रहा है, यानी छोटा अल्काइल हैलाइड बड़े एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आर आर दोनों अल्काइल हैलाइड के आर आपस में मिल गए, डाइमराइजेशन देखने को मिल रहा है। ये रहा आपके पास वुड्स रिएक्शन। तो इसके अंदर भी फर्दर क्लासीफाई कर रखा है हमने सिंपल वुड्स रिएक्शन व्हेन सेम टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट। तो सेम टाइप के करेंगे तो आर आर मिलकर क्या बन जाएगा, आर टू बन जाएगा, यानी कि ये हमारे को दिखाने को पड़ेगा। अगर मिथाइल क्लोराइड ले लिया जाए तो मिथाइल क्लोराइड क्या बनाएगा आपके लिए, इथेन बनाएगा। दूसरा मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन, यानी कि अगर दोनों अल्काइल हैलाइड अलग अलग ले लिए, जैसे मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, तो ऐसी रिएक्शन के अंदर मिथाइल और इथाइल मिलकर क्या बन जाएंगे, प्रोपेन देखने को मिलेगा आपको। तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। और इंट्रामोलिकुलर, अगर एक ही रिएक्शन के अंदर दो को हेलोजन है तो इंट्रा देखने को मिलेगा, यानी इस जगह डाइमराइजेशन नहीं होगा, यहाँ आपके पास इंट्रा रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूल रिएक्शंस देखने को मिलेगी यहाँ पर, सही है। तो वुड्स रिएक्शन में डाइमराइजेशन भी हो रहा है और एक तरह से कॉम्बिनेशन भी हो रहा है और इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम देखें और कौन सी रिएक्शन है जिसमें हैवी मेटल की वजह से आपके फ्री रेडिकल बना है, तो हमारे लिए है वो कॉपर। कॉपर की प्रेजेंस में अगर आप हेलो एरिन को अगर गर्म कर रहे हैं तो उल्मार रिएक्शन देखने को मिलेगी और हमारे पास डाइफिनाइल हमारे को देखने को मिलेगा प्रोडक्ट में। फिर बात करते हैं फ्रैंकलेट रिएक्शंस, यानी आर सी एल, यानी अल्काइल हैलाइड को जिंक की प्रेजेंस में अगर गर्म करते हैं तो हमारे तब भी वही काम हो रहा है जो वुड्स में देखने को मिल रहा था, यानी आर आर आपको मिल रहा है और जेड एन सी एल टू साइड प्रोडक्ट मिलेगा। फिर बात करते हैं फिटिक रिएक्शंस, अगर फिटिक रिएक्शन में वही चीज हेलो एल्केन को जो हम उल्मान में कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाई इथर की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे को क्या देखने को मिलेगा, डाइफिनाइल देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरह से हमारे पास डाइमराइजेशन देखने को मिल रहा है। तो ये भी हमारे पास फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। एक अल्काइल हैलाइड ले दिया और एक ले लिया हमने एराइल हैलाइड, तो अल्काइल और एराइल का मिक्सचर होगा और हमें क्या मिलेगा, हेलो एरिन मिलेगा, यानी हेलो बेंजीन्स। लाइक यहाँ पर हमने अगर सी एस सी सी एल इथाइल सॉरी मिथाइल क्लोराइड ले लिया और किसके साथ ले लिया, क्लोरो बेंजीन के साथ, तो हमारे को प्रोडक्ट में क्या देखने को मिलेगा, मिथाइल और बेंजीन वाला ग्रुप मिलके हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक तरह से हमारे पास क्या बनेगा, टोलुइन। टोलुइन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा एक और रिएक्शन है जहाँ हमारे को फ्री रेडिकल देखने को मिल रहा है डायरेक्ट मेटल की वजह से, और वो है पिनेकोल रिएक्शंस। इन दिस रिएक्शन व्हाट यू फील, देखिए यहाँ पर कि एक आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, वो का एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले मर्करी एच जी और एम जी अमलगम, यानी कि मैग्नीशियम अमलगम या जिंक अमलगम भी ले सकते हो, के साथ रिएक्शन करा, आपके पास फ्री रेडिकल मिलेगा जिसका डाइमराइजेशन होगा और फिर हाइड्रोलिसिस करने पर आपको पिनेकोल मिलेगा। पिनेकोल का मतलब अल्फा बीटा डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड, हम पिनेकोल बोलते हैं। तो यही है विस्नल डाइओल को हम पिनेकोल बोलते हैं। फिर दूसरा रिएक्शन जिसमें फ्री रेडिकल मिलता है आपको वो है फोटोन से, यानी अब पहले हमने पढ़ा था मेटल से, अब हम पढ़ रहे हैं फोटोन से। तो फोटोन से यानी जनरेटेड बाय फोटोन, कैसे फोटोन, फोटोन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एच म्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू फ्रिक्वेंसी है फोटोन की। तो यहाँ पर भी हमारे पास रिएक्शन होती है और कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है, फोटो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रीड और
ब्रोमीन रिएक्शन, तो ब्रोमीन हुंजरी का रिएक्शंस, या यहाँ पर हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन हुंजरी का रिएक्शंस। तो ये हमारे पास पांचों रिएक्शन ऐसी है जिसमें फोटोन की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फोटो हैलोजिनेशन, और उसके अंदर बात कर रहे हैं हम मिथेन। मिथेन को अगर एफ टू सी एल टू और आई टू के साथ रिएक्शन कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन्स, तो आपको क्या मिलेगा, हेलोजन डेरिवेटिव्स मिलेंगे, यानी मोनो या डाई या ट्राई या टेट्रा या उससे भी ज्यादा हेलोजन डेरिवेटिव्स एल्केन आपको देखने को मिलेंगे। तो हाई अगर फ्लोरीन लेते हैं तो हाईली एक्सप्लोजिव रहेगा, लेकिन अगर क्लोरीन लेते हैं तो रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहेगी जितनी फ्लोरीन के केस में थी, और आयोडीन में तो बहुत ही कम। तो इस तरह से हम अगर यहाँ बात करते हैं तो क्लोरीन के केस में हमारे पास 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का रेशियो, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। जबकि इन केस ऑफ ब्रोमीन के अगर हम देखें तो 3 डिग्री की क्वांटिटी रिलेटिवली और बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन, और हमारे पास 1600 और 2 डिग्री के अंदर 82 और यहाँ पर 1 डिग्री में 1, यानी ये रेशियो बता रहा हूँ जनरल रेशियो किस रेशियो में बनेंगे हमारे पास। तो ये मतलब काफी सेंसेटिव है ब्रोमीन, अगर आपको पर्टिकुलर 3 डिग्री बनाना है तो आप ब्रोमिनेशन करें ना कि क्लोरीनेशन, ये बताने की कोशिश करिए। ठीक है, आगे सेकेंड हम बात करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एल्केन है कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है, इन प्रेजेंस ऑफ फोटॉन्स आपको नाइट्रो एल्केन देखने को मिलेगी। यही काम अगर सल्फोनेशन करना हो तो हमें H2SO4 और हीट के साथ करना पड़ेगा, वही हीटिंग करना पड़ेगा और हमें सल्फोनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, रीट रिएक्शन अगर आप एल्केन की SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन तो आपको RCl यानी अल्काइल हैलाइड और साइड प्रोडक्ट आपको SO2 और HCl, काफी अच्छी एफिशिएंसी होती है क्योंकि SO2 और HCl दोनों ही गैसें बाहर निकल जाएंगी तो आपके पास सिर्फ अल्काइल हैलाइड आपको देखने को मिलेगा, तो काफी अच्छी एफिशिएंसी भी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोमीन की, बोरोडीन की, बोरोमीन की प्रेजेंस में ही हम ये रिएक्शन करते हैं, हुंजरी का रिएक्शन हमारे पास हो रही है। इसके लिए हमें सिल्वर सॉल्ट चाहिए रहता है। सिल्वर सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की AgOH के साथ रिएक्शन कराओ आपको सिल्वर सॉल्ट मिलेगा, ये सिल्वर सॉल्ट मिल गया जो कि फ्री रेडिकल बनाएगा Br2 के साथ, और Br फ्री रेडिकल बनाएगा जो कि आगे रिएक्शन को कैरी आउट करेगा और हमें फाइनली एक तरह से देखा जाए तो हमारे को क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो ये भी हमारे लिए बहुत इजी रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या बना एक तरह से अल्काइल हैलाइड, हमारे पास लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बनेगा AgBr और CO2 गैस आपको देखने को मिलेगी। इज दैट क्लियर। इसके अलावा भी फ्री रेडिकल बनते हैं जिसे हमारे पास NBS एन ब्रोमो सक्सेनामाइड रिएक्शन, ये एलाइलिक पोजिशन पे रिएक्शन करता है एंड बेंजाइलिक पोजिशन, तो ये लाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन आपके लिए क्या है, आप अच्छे से जानते हैं बेंजीन से अटैच कार्बन उसके लिए एलाइलिक पोजीशंस कहलाएगा या उसे बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं, और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा किससे, Br से, एन ब्रोमो सक्सेनामाइड के Br से। तो ये भी आपके पास हो गया एन ब्रोमो सक्सेनामाइड रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो कर रहा है लेकिन किसमें, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर, यानी कि थर्ड टाइप, फर्स्ट टाइप आपने क्या करा था ड्यू टू हैवी मेटल, सेकेंड ड्यू टू फोटोन, थर्ड आपके लिए कहाँ आ रहा है आपके पास कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रोलिसिस देखने को आपको मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है आपके पास सोडियम एसिटेट यानी कोई भी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ले लिया आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो आपके पास CO2 अलग हो जाएगा, बचेगा CH3 डॉट और आपको वैसे ही CH3 डॉट मिलेगा, और जब कोई भी फ्री रेडिकल मिलता है तो वो डाइमराइजेशन होते हैं या फिर उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो CH3 डॉट हुआ तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, डाइमराइजेशन, CH3 CH3 आपस में मिल रहे हैं और ये पूरा प्रोसेस एनोड पे होगा, बाकी कैथोड पे NaOH बनेगा और H2 गैस बनेगी। एनोड कैथोड पर NaOH बनने से सॉल्यूशन के अंदर NaOH की क्वांटिटी बढ़ेगी और बेसिक करेक्टर आएंगे जैसे pH आपके पास धीरे धीरे 14 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो ये रहा पूरा फ्री रेडिकल चार्ज, इसके अंदर ऑलमोस्ट आपकी सारी फ्री रेडिकल रिएक्शन जो आपके सिलेबस में वो मैंने कवर करा दी है, आप इसको एक बार और सुने देख लीजिएगा। थैंक यू।